साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको बता रहा हूं ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। एक बार इसको कम से कम 21 डेज तक जरूर करिए। आप करना कुछ नहीं है, एक फोटो है, ठीक है, जिसे कहा जाता है कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष जो है दोस्तों, इसका उद्गम हुआ था समुद्र मंथन से, ठीक है। दैत्यों ने और देवताओं ने जब समुद्र का मंथन किया था, समुद्र का मंथन तो वैसे दोस्तों इसलिए हुआ था कि अमृत उसमें से निकले, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें और भी निकली थी, जिसमें से एक था कल्प वृक्ष, जिसे पारिजात भी कहा जाता है। ये इंद्र भगवान के हिस्से में आ गया। तो इसे देवताओं की जितनी भी जो मनोकामना है, ये वृक्ष जो होता है देवताओं की मनोकामनाओं को पूरी करता है। वही वृक्ष कल्प वृक्ष जो है आपकी भी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। दोस्तों एक चीज समझने वाली बात है, सारी दुनिया काल्पनिक है ना, और वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है। आपने भगवान को कभी नहीं देखा, सिर्फ कल्पना से। जो भी भगवान की तस्वीरें हैं, भगवान को किसी ने आज तक नहीं देखा। गणेश जी को नहीं देखा, दुर्गा जी को नहीं देखा, काली जी को नहीं देखा, लेकिन एक कल्पना से उनकी तस्वीर बना दी गई है ना। तो कल्पना से ही आप अपनी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकते हैं। बस यहां पर आपको एक चीज को ऐड करना है कि आपको अवचेतन मन को उस चीज को विश्वास दिलाना है ना। और अवचेतन मन कब आपका विश्वास करता है? जब आप कोई चीज उसकी तस्वीर दिखाते हैं। दोस्तों मैंने काफी वीडियो में बताया है कि हमारा ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, दो चीजों से बना है, एक तो साउंड और दूसरा लाइट यानी कि प्रकाश। तो हम लोग जो चीज भी बार बार बोलते हैं, आपने एक चीज गौर की होगी, कोई गाना जैसे कहीं पर आप सुन रहे होते हैं, ठीक है, वो गाना यदि आपको पसंद आ जाता है तो आप मन ही मन उसको गुनगुनाने लगते हैं। तो ये आप नहीं गुनगुना रहे होते हैं, ये आपका सबकॉन्सियस माइंड गुनगुना रहा होता है, क्योंकि वो गाना उस तक जा चुका है। जो भी मैसेज आपके सबकॉन्सियस माइंड तक चला जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, वो चीज आपकी जिंदगी में रियलिटी बनने लगती है ना। तो एक मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूं आपको, इस उपाय को आपको रात्रि को सोते हुए करना है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सब जगह शेयर जरूर करिए, है ना। तो दोस्तों आप गूगल सर्च कर लें, यह पे मैंने स्क्रीन में भी दे दिया है, ये वॉलपेपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल्प वृक्ष यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो एक तस्वीर निकल आएगी उसकी, उसको आपको मोबाइल में अपने वॉलपेपर में सेट कर लेना है, ठीक है। और जब रात्रि में आप सोने जाने लगते हैं, अगर आपको सोने से 2 मिनट पहले जब आपको ऐसे नींद आने लगे कि हाँ अब सोना है, अब आंख लग जाएगी, तो बस 1 मिनट 2 मिनट आपको इसको देखना है कल्प वृक्ष को, ठीक है, इनको प्रणाम करना है। आपको ये सोचना है कि ये वही कल्प वृक्ष है जो देवताओं के स्वर्ग में है, क्योंकि दोस्तों ये काल्पनिक, आप भगवान की जो फोटो बनाते हैं, ठीक है, कल्पना से बनाई गई है। आपके घर में पूजा स्थान में आपने रखा, आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उनमें एक शक्ति आ जाती है। शक्ति कहां से आती है? आपके विश्वास से, आपकी आस्था से, आपकी निष्ठा से। तो जब मोबाइल के वॉलपेपर में आप कल्प वृक्ष लगा के रखेंगे और उसको पूरी श्रद्धा के साथ में प्रणाम करेंगे तो उसमें एक शक्ति आने लगेगी, ठीक है। और जब उसको देख करके आपको अपनी मनोकामना 11 बार बोलनी है कि मेरी ये मनोकामना, प्रेजेंट टेंस में बोलनी है, ठीक है, कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई है, मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई है। आपकी कोई भी मनोकामना है तो ये मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, 3 बार धन्यवाद 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 या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना। रात्रि में सोते हुए इस प्रयोग को दोस्तों करिए, बस 21 डेज आप कर लीजिए। 21 डेज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि 21 डेज में क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने लगता है, उसको हैबिट हो जाती है उस चीज की। बार बार जब रिपीट करेंगे सोने से पहले, और यही प्रयोग आप जस्ट सुबह जब आपकी नींद खुलती है तब यदि करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम सोने जाने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही हम सो के उठते हैं तो 5 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है एक्टिव रहता है, और इस समय यदि हम कोई भी चीज बोलते हैं तो वो बहुत जल्दी उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात चली जाती है,
अब चेतन मन में कोई बात गई तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स तक चली गई, ब्रह्मांड तक चली गई, और ब्रह्मांड उन चीजों को हमारी जिंदगी में रियलिटी बना देता है। तो बस दोस्तों, एक विश्वास के साथ में इस प्रयोग को आप करिए, क्योंकि सारी दुनिया काल्पनिक है, आपकी भावनाएं भी काल्पनिक है। जब तक कल्पना नहीं करेंगे, सपने नहीं देखेंगे, तो सपने सच कैसे करेंगे? कल्पना तो करनी पड़ेगी ना। तो जब आप इस वृक्ष को देख करके कल्पना बनाएंगे कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, विजुलाइज करेंगे उस चीज को, कुछ ही दिन आप करेंगे दोस्तों, 21 डेज में अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसको थोड़ा और टाइम बढ़ा लें, 41 डेज तक कर लें, लेकिन दोस्तों गारंटी है कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस ऐसी मनोकामना रखना है आपको कि जो आपका माइंड एक्सेप्ट करता है ना, और पूरे विश्वास के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, डाउट क्रिएट करके नहीं करना है कि डाउट कर रहे हैं कि चलो करके देखते हैं, ऐसे नहीं, कर रहे हैं, रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा 100% मिलेगा, इस तरीके से करिए, फिर देखिए रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतनी दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।